सब्सक्राइब कीजिए मेरे YouTube चैनल को, बगल में बेल आइकन भी ज़रूर दबाएं ताकि आप आने वाली वीडियो। हाँ, गुड इवनिंग भाई और बहनों, आपका मेरे YouTube चैनल पे बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको एक जो करंट अफेयर से रिलेटेड एक वीडियो, करंट अफेयर से रिलेटेड एक मैं चीज़ बताऊंगा भाई और बहनों, तो ठीक है, तो वीडियो में बने रहें, वीडियो बिल्कुल भी स्किप ना करें। तो आज मैं बताने जा रहा हूँ एक जो तकनीक है भाई और बहनों, जो कि हाइपरलूप है। अब मैं बताऊंगा कि हाइपरलूप क्या है, ठीक है भाई बहनों। हाइपरलूप भाई बहनों, इससे पहले मैं हाइपरलूप के बारे में बता दूँ आपसे, मैं एक बात प्रचलित कह रहा हूँ कि अगर आपसे कहें कि भविष्य में आप धरती पर ही हवाई जहाज से ज़्यादा स्पीड से यात्रा कर सकेंगे, तो आप एक मिनट सोच के कहोगे कि ना ना, ऐसा संभव नहीं है। मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा भाई बहनों, ये सच है, ठीक है। आप धरती पर ही हवाई जहाज़ की जो आसमान में चलता है हवाई जहाज़, उससे ज़्यादा स्पीड से गति यानी अपनी यात्रा कंप्लीट कर सकते हैं। जो इस तकनीक का नाम है भाई बहनों, हाइपरलूप तकनीक भाई और बहनों, जो कि इंडिया में अभी इस पे प्रोजेक्ट पे काम शुरू हो गया है, ठीक है। हाइपरलूप ये है भाई बहनों, जो आपकी फ़ोटो में दिख रहा है हाइपरलूप, जो अभी इंडिया में काम शुरू हो गया, कुछ सालों बाद हाइपरलूप तकनीक इंडिया में आ जाएगी भाई बहनों, ठीक है। अब हाइपरलूप के बारे में जाने, तो हाइपरलूप एक ऐसी तकनीक है भाई बहनों, जो कि क्या करती है, इसकी जब हम गति की बात करें तो भाई बहनों, इसकी गति की 1000 से 1200 किलोमीटर पर आवर, यानी एक घंटे में यह 1000 से 1200 किलोमीटर तक गति कर सकती है भाई बहनों, ठीक है, हाइपरलूप। और अभी जो इंडिया में बात करें तो इंडिया में सबसे ज़्यादा अभी चलने वाली जो ट्रेन है वो कौन सी है, गतिमान एक्सप्रेस की, जो अभी जो सबसे तेज़ चलने वाली इंडिया में, उसकी तो स्पीड की बात करें तो 160 किलोमीटर पर हावर की स्पीड है अभी, ठीक है। 160 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गतिमान एक्सप्रेस सबसे तेज चलने वाली ट्रेन है अभी इंडिया में, ठीक है। अब अभी उसमें बुलेट ट्रेन के उसमें प्रोजेक्ट पे काम चल रहा है भाई बहनों, जापान के सर्विस, उसके बारे में आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगा आपको। तो अब जानते हैं हाइपरलूप तकनीक के बारे में। तो हाइपरलूप तकनीक क्या है भाई बहनों, यह अभी जब भी आएगी तो ये यातायात की परिभाषा ही बदल देगी, क्योंकि आपको पता है यह इसकी स्पीड के बारे में बात करें तो ये 1000 से 1200 किलोमीटर पर हावर की स्पीड से चलेगी, तो ये क्या कर देगी, दुनिया की जो यात्रा की तकनीक है उसको ही बदल देगी। यह आपको इसके लुक को देख से दिख रहा होगा कि यह क्या है, कैप्सुलूपी ट्रेन है, ठीक है। यह क्या है, कैप्सुलूपी ट्रेन है, जो क्या करती है, बुलेट ट्रेन से भी दोगुनी स्पीड से गति करती है। अभी बुलेट ट्रेन की गति की बात करें तो बुलेट ट्रेन 450 के पर आवर की स्पीड से गति करती है, 400 से 450 पर आवर की गति से स्पीड करती है। और इसकी जो हाइपरलूप तकनीक आ रही है, हाइपरलूप, इसकी स्पीड की बात करें तो यह है 1000 से 1200 किलोमीटर पर आवर, देखो दुगनी स्पीड से गति करती है भाई बहनों। बाद में इस परियोजना पर क्या हो गया भाई बहनों, काम शुरू हो गया है इस प्रोजेक्ट पे, ठीक है, हाइपरलूप टेक्निक पे। अब जो ये प्रोजेक्ट पे काम शुरू हो गया, ये कहां-कहां से, अभी पायलट प्रोजेक्ट पे काम चल रहा है इसका, कहां-कहां से, मुंबई से पुणे के बीच का पायलट प्रोजेक्ट पे काम चल रहा है हाइपरलूप टेक्निक का, ठीक है। अभी टेस्ट के लिए कहां-कहां से, मुंबई से पुणे के बीच हाइपरलूप टेक्निक का काम चल रहा है। इसके लिए वर्जिन हाइपरलूप 1 के साथ समझौता भी हो गया, इसके जो समझौता क्या है, वर्जिन हाइपरलूप 1 के साथ, ठीक है, एक संस्था है वर्जिन हाइपरलूप 1 के साथ इसका समझौता भी किया है। हालांकि इसके लिए अभी कुछ समय लगेगा, लेकिन जब ये तकनीक आ जाएगी भाई बहनों, आप समझ सकते हो कि बहुत घंटों का समय आप कुछ मिनटों में ही पूरा कर सकते हो, ठीक है, जब ये तकनीक आ जाएगी इंडिया में। अब हाइपरलूप के बारे में जाने तो हम हाइपरलूप क्या है, अल्ट्रा मॉडर्न तकनीक वाला सुपर फास्ट परिवहन, अल्ट्रा मॉडर्न तकनीक से बना है हाइपरलूप, अल्ट्रा मॉडर्न तकनीक से बना है हाइपरलूप, ठीक है। हाइपरलूप ट्रेन मुंबई के वीके से पुणे के वाकर स्टेशन तक, ये जो अभी टेस्ट के तौर पर पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर काम चल रहा है भाई बहनों, मुंबई के वीके से पुणे तक चल रहा है, ठीक है, मुंबई के पुणे के वीके तक वाकर स्टेशन तक अभी चल रहा है, ठीक है, पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर। अभी इसकी स्पीड की बात करें तो 450 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से इसकी टेस्ट करा जाएगा अभी, जो कि जो यहाँ पर चल रहा है, ठीक है।
496 प्रति किलोमीटर पर दौड़ेगी, जो इसमें हाइपरलूप ट्रेन अभी फिलहाल 496 किलोमीटर पर हावर की स्पीड से ये अभी गति करेगी। ठीक है, मुंबई से जो पुणे के बीच की दूरी है 23 मिनट में पूरी करेगी। मुंबई से पुणे की जो डिस्टेंस की बात करें तो 200 किलोमीटर है, तो इसकी 200 किलोमीटर की दूरी है 23 मिनट में पूरा करेगी अभी मुंबई से पुणे के बीच की दूरी। ठीक है, अब जैसे ही ये तकनीक अब भाई बहनों इंडिया में इसको आने में कुछ समय लगेगा, जो अभी लेटेस्ट अभी काम चल रहा है भाई बहनों इंडिया में वो किसका चल रहा है अभी, बुलेट ट्रेन का। बुलेट ट्रेन के बारे में जाने तो ये बुलेट ट्रेन जापान के साथ सहयोग से अभी हमारे इंडिया में इसका काम चल रहा है, 2022 तक इसका सपना साकार हो जाएगा। ठीक है भाई बहनों, बुलेट ट्रेन का हमारे इंडिया में, तो अब जाने थोड़ा सा बुलेट ट्रेन के बारे में। बुलेट ट्रेन क्या है भाई बहनों, बुलेट ट्रेन भारत में जापान के समझौता किया है, बुलेट ट्रेन के लिए भारत में क्या किया है, जापान से समझौता किया है। आपको याद होगा भाई बहनों 2017 यानी सितंबर 2017 में भारत यानी जापान के जो प्रधानमंत्री जी हैं शिंजो आबे जी इंडिया आए थे, और हमारे प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी उस समय शिंजो आबे जी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ एक बुलेट ट्रेन के बीच समझौता हुआ। ठीक है, समझौता पे हस्ताक्षर करेंगे। ठीक है, बुलेट ट्रेन के लिए तो भारत में इस समय सबसे तेज चलने वाली की बात करें तो गतिमान एक्सप्रेस है 160 किलोमीटर पर आवर, ये मैंने आपको पहले बता दिया। ठीक है, तो इसके बारे में जाने तो यानी बुलेट ट्रेन किसके सहयोग से बननी आएगा, तो भाई बहनों वो बननी है जापान के सहयोग से। ठीक है, जापान के सहयोग से 2017 में आए थे शिंजो आबे जी, जो कि जापान के प्राइम मिनिस्टर हैं, उनके सहयोग से, और 2022 तक इसमें काम शुरू हो जाएगा भाई, 2022 तक ये कम्प्लीट हो जाएगी, इस प्रोजेक्ट पर काम तेज़ी से चल रहा है। ठीक है, अब इसकी बात करें जो बुलेट ट्रेन की स्पीड की बात करें भाई बहनों, बुलेट ट्रेन की स्पीड है 450 से 500 प्रति आवर की स्पीड है। ठीक है, बुलेट ट्रेन का लोग इस प्रकार देख सकते हैं। तो भाई बहनों अब इसमें प्रश्न ये बनता है कि जो लास्ट जो प्रश्न बनता है हाइपर जो जैसे ये प्रश्न बन सकता है कि हाइपरलूप क्या है, हाइपरलूप तकनीक किससे संबंधित है, तो ये किससे भाई बहनों, ट्रेन से संबंधित है। ठीक है, जो कि इंडिया में आने वाली है। ठीक है, अभी इस प्रोजेक्ट शुरू हो रहा है। अब दूसरा प्रश्न ये बनता है कि हाइपरलूप क्या है, हाइपरलूप क्या है भाई बहनों, एक यातायात से संबंधित एक कैप्सूल रूपी ट्रेन है। ठीक है, तो ये था भाई बहनों जिसकी स्पीड की बात करें तो 1200 किलोमीटर की प्रति हावर की स्पीड से दौड़ेगा। तो ये थी भाई बहनों हाइपरलूप टेक्निक के बारे में बताया मैंने आपको, और बुलेट ट्रेन के बारे में थोड़ा सा जानकारी दी। तो आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएँ, मैं ऐसे वीडियो आपको देते रहता हूँ करंट अफेयर से रिलेटेड। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका।